इस वक्त हमारे साथ हैं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी व आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार सुभाष गोरछिया जी। सुभाष जी, आपके जो चुनाव प्रचार के भी जो अभियान चल रहा है, कैसा चल रहा है फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके लिए ये चौधरी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का पुराना गढ़ रहा है। इस गढ़ के नाते ही डॉक्टर अजय सिंह, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौधरी चौटाला जी ने इस भट्टू क्लब ब्लॉक में ये टिकट दे के ये साबित कर दिया है भी ये उनके दिलों में अब भी जो भी बात है वो भट्टू क्लब दिलों में बसता है जी। अभी जैसे कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में आपकी पहली रैली होने जा रही है, वो कि भट्टू क्लब को चुना गया है, तो यहाँ भट्टू क्लब कब यह रैली है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। ये भट्टू क्लब भट्टू मंडी में 28 तारीख को 12 बजे जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में ये रैली जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसका संबोधन पूर्व में रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी रावण करेंगे जी। इस रैली को लेकर आपकी तैयारियां किस तरह से चल रही है? तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही है, बाकी वो भीड़ भी खूब होगी और सारी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं जी। अभी आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा, कल 28 तारीख की जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की संयुक्त जनसभा हो रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जनसभा में पहुंचकर आए हुए नेताओं के विचार सुने और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आशीर्वाद और समर्थन दे, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ। सर, अभी आपने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों का दौरा करके अभी तक कहां कहां गांव किस कौन कौन से गांव में दौरा कर चुके हैं और उनमें क्या स्थिति है? अब तक मैं एक भट्टू हल्का फतेहाबाद के पूरे सभी गांवों में एक बार दौरा कर चुका हूं और लोगों का पूरा आपार और जन समर्थन मिल रहा है जी। थैंक यू सर। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी व आजाद समाज पार्टी की जो पहली रैली जो होने जा रही है वह भट्टू मंडी में होने जा रही है और इसको लेकर जो व्यापक व्यवस्था को लेकर जिसने चार्ज संभाला हुआ है भट्टू मंडी में युवा हैं विपिन गोरछिया जो कि उम्मीदवार सुभाष गोरछिया के पुत्र हैं। विपिन जी, आपकी तैयारियाँ किस तरह से चल रही है और कहाँ ये रैली का आयोजन कहाँ और कैसे होगा? जो जी 28 सितंबर को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की जो एक विशाल जनसभा भट्टू मंडी में आयोजन होने जा रही है, उसकी तैयारियां आप देख रहे हैं किस प्रकार से बड़े एक बहुत ही बड़े स्तर पर तैयारियां जो चल रही है और अपार जनसमूह जो कल 28 सितंबर को भट्टू मंडी की अनाज मंडी के शेड के नीचे एक विशाल जनसमूह इकट्ठा होगा और अपने भाई अपने बेटे सुभाष गोरछिया जी को आशीर्वाद के रूप में सभी लोग पहुँचेंगे और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी व चंद्रशेखर आजाद जी के विचार सुनेंगे, उनका स्वागत करेंगे जी। सर, जैसे कि आपने बताया पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, तो वो कैसे बाय रोड आ रहे हैं? कैसे? वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं जी। अच्छा अच्छा जी। टाइम क्या रहेगा? टाइम रहेगा 12 बजे एग्जैक्ट यहाँ पे सभा शुरू हो जाएगी जी। 11 बजे जो है हमने सभी को टाइम दिया कि 11 बजे आप पहुँचो और 12 बजे जो अपनी विशाल जनसभा है वो शुरू हो जाएगी जी। अभी भट्टू मंडी में जिस तरह से अभी क्योंकि मूंगफली की भी आवक शुरू हुई है और यहाँ ये खचाखच भरा, तो ये पूरी तैयारियां से ये तैयारियों को लेकर अभी मार्केट कमेटी वगैरह में बात चल रही है जी, उनसे बात करी है और उन्होंने यही अभी थोड़ा मौसम को देखते हुए पहले पीछे की परमिशन ली थी पर अब मार्केट कमेटी से बात करके और उनसे अंदर का करवाया है जी, शेड के नीचे ताकि कोई अव्यवस्था ना होए तो किसानों से और लगातार जो हमारे आड़ती भाई है उनसे भी कांटेक्ट करके और जो अनाज मंडी शेड के नीचे इसको व्यवस्था को सुचारू रूप से करवा रहे हैं जी। जी जी जी। तो जिस तरह अभी आप भी युवा हैं और आपकी युवा वर्ग की टीम भी लगी हुई है, तो चुनाव प्रचार को लेकर आपने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के कहाँ कहाँ दौरा किया? पूरे हल्के का दौरा हो चुका है जी। जी, पूरे हल्के का दौरा हो चुका है और मैं आपको बड़ी खुशी से बता सकता हूँ कि इतना उत्साह है लोगों के अंदर जी। जो प्यार प्रेम हर एक वर्ग प्रत्येक वर्ग के लोग जो जेजेपी पार्टी को सुभाष गोरछिया जी को आजाद समाज पार्टी की जय भीम जो हमारे साथ पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, इतना अपार जनसमूह इतना प्यार आशीर्वाद लोग दे रहे हैं जी, जगह जगह पर इतने बड़े बड़े काफिलों का बड़े बड़े प्रोग्राम्स का आयोजन हो रहा है जी, प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ग का जो व्यक्ति है वो जुड़ रहे लगातार, तो कारवां जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक ये अपार जो है अपार जनसमूह का कल आप देखेंगे रैली में जिस प्रकार से भीड़ होगी आप देखेंगे और पूरा जो भट्टू एरिया है
अपना फतेहाबाद हल्का है पूरा देखेंगे किस प्रकार से जो जेजेपी पार्टी है सुभाष गोरसिया जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि 28 सितंबर को यहाँ रैली भट्टू मंडी के अनाज मंडी में रैली आ रही है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है जी, पूरे हल्के फतेहाबाद के वासियों से, अपनी जो मेरे सम्मानित बुजुर्ग पूरे हल्के फतेहाबाद के नौजवान युवा साथी, जो भी आपके दर्शक मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, सभी जो माताएं बहनें व उज्ज्वल भारत के प्यारे बच्चे जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी दर्शक आपके माध्यम से मेरे को देख रहे हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के यही विनम्र अपील करूँगा जी, कल 28 तारीख को पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी व उनके साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी कल हेलीकॉप्टर के माध्यम से भट्टू मंडी के अनाज मंडी शेड के नीचे एक विशाल जनसभा का आयोजन करने जा रहे हैं। उनको वो संबोधित करने आएंगे, सभी से मिलना जुलना होगा, तो सभी से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध विनती प्रार्थना करूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी व चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचार सुनेंगे, उनका स्वागत करेंगे।